कांच हमारी डेली लाइफ में बेहद जरूरी चीज है। शुरुआत में जब प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले कांच ही एक ऐसी चीज थी जिसे किसी भी आकार में आसानी से बदला जा सकता था, यानी कि इसे हम किसी भी आकार या फिर शेप में बदल सकते थे। कांच का इस्तेमाल कई चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बर्तन, शीशे जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। इसके साथ ही कांच का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन और भी बहुत कुछ। चलिए आज जानते हैं कि आखिर कांच बनता कैसे है। यह जानने से पहले कि कांच कैसे बनता है, आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कांच दो तरह के होते हैं, पहला नॉर्मल ग्लास और दूसरा स्पेशल पर्पज ग्लास, मतलब कि किसी खास चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लास। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर चीजों को बनाने के लिए सामान्य कांच का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे घरों में जो कांच इस्तेमाल होता है वो सामान्य कांच ही होता है, जबकि स्पेशल पर्पज ग्लास किसी खास काम के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ ग्लास, कार की विंडोज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लास। लेकिन 90% चीजों को बनाने के लिए सामान्य ग्लास का ही इस्तेमाल किया जाता है, और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दरअसल कांच को बनाने के लिए रेत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांच को बनाने के लिए किसी आम रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 99% सिलिका पाया जाता हो। लेकिन कांच को बनाने के लिए रेत के साथ साथ और भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोडा और चूना। सबसे पहले इन तीनों चीजों को मिलाकर एक मिक्सर तैयार किया जाता है, जिसमें करीब 75% रेत, 15% सोडा और 10% चूना होता है, और इस मिक्सर को मशीन के जरिए बारीक पीसा जाता है, जिसमें पुराने कांच के टुकड़ों को भी डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को पिघलने के लिए एक भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इतने तापमान पर यह मिश्रण पिघलने लगता है और लिक्विड में बदल जाता है, और ये लिक्विड पिघला हुआ कांच ही होता है। जब ये लिक्विड धीरे धीरे ठंडा होता है तो कांच में बदल जाता है, इसलिए इस लिक्विड को ठंडा होने से पहले ही इसे जरूरत के अनुसार अलग अलग सांचों में या फिर शीट में निकाल लिया जाता है। इस तरह कांच बनकर तैयार होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांच कई रंगों में भी आते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांच रंग बिरंगे नहीं होते, लेकिन अगर कोई कांच में खास प्रॉपर्टी चाहता है जैसे कि रंगीन कांच, तो इसके लिए पिघले हुए कांच में ही केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे कांच रंगीन हो जाते हैं। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि पेटी में रेत से कांच कैसे बनाया जाता है और इन्हें किस तरह अलग अलग आकार दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी मालूम हो कि आप कितने अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हो। और आप हमारे इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।